मैं हूँ आपके साथ विक्की। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पे। खबर चंदौली जनपद से है। चंदौली जनपद के साहबगंज विकासखंड अंतर्गत आने वाले खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में देखने को मिला। बताते चले कि खंड शिक्षा अधिकारी साहबगंज के कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर को कूड़े के ढेर में रखा गया था, वह भी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के ठीक गेट के बगल में सामने, जहाँ से आम जनता, फरियादी व शिक्षक जो बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देने के लिए नियुक्त है, आते जाते रहते हैं। उसके बाद अपनी नज़र से देखते हुए भी उन तस्वीरों को उठाकर सही स्थान पर रखने की जहमत कोई नहीं कर रहा था। जो इन महान देशभक्तों की तस्वीरें कार्यालयों में अपने बैठने के स्थान से ऊंचे स्थान पर लगाकर उनको श्रद्धांजलि व सम्मान देने की बात होती है, वहीं शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में शहीदों की तस्वीरों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार देखने को मिल रहा है, तो वहाँ के भ्रष्टता को इन तस्वीरों के माध्यम से जनता को समझना चाहिए कि बच्चों, अभिभावकों और फरियादियों को यहाँ नियुक्त अधिकारी किस तरीके से सुनते होंगे और उनकी समस्या को हल करते होंगे, यह सोचने का विषय है। साहबगंज से हमारे संवाददाता सुजीत तिवारी की रिपोर्ट। ऐसी कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए।